मंडी आईटीआई में पिछले कई वर्षों से युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इस वर्ष भी रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में राजस्थान बेस्ट जापानी कंपनी द्वारा विभिन्न व्यवसायों को लेकर साक्षात्कार लिए गए। इन इंटरव्यू में करीबन 80 प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी लता देवी ने बताया कि आईटीआई मंडी में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रमबद्ध तरीके से कई रोजगार मेले लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये सब स्थानीय आईटीआई के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार के प्रयासों से संभव हो रहा है। वहीं आगामी सप्ताह भी आईटीआई परिसर में कई नामी कंपनियों द्वारा रोजगार के लिए इंटरव्यू आयोजित करने का फैसला लिया गया है। 9/1/2019 को आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू हेतु जापानी कंपनी टाकाहाटा प्रिस्टन प्राइवेट लिमिटेड निमराणा राजस्थान आई हुई है, जो कि विभिन्न पदों के लिए आज इंटरव्यू करवा रही है। इस इंटरव्यू में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित बच्चे इंटरव्यू में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और लगभग 80 के करीब इसमें बच्चे जो इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं और कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आ चुके हैं और बच्चों का जो पर्सनल इंटरव्यू है वो चल रहा है। इसमें जो बच्चों की सिलेक्शन होगी उसका हमें ये ईमेल के द्वारा भी बता देंगे और क्या इसका रहता है, इसका रिजल्ट आज शाम तक मिल जाएगा। इस कंपनी को आईटीआई मंडी में पहुंचाने का सारा श्रेय हमारे आईटीआई के प्रधानाचार्य श्री शिवेंद्र डोगर जी को जाता है और यहाँ पर लगातार कंपनीज आ रही है जो कि बेरोजगार युवकों को जो है रोजगार मुहैया करवा रही है। अभी 11 तारीख को भी एक और कंपनी आ रही है, उसके बाद भी नेक्स्ट वीक में 2-3 कंपनी आ रही है, जिसकी जानकारी भी हम आपके चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे।